नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुबई को दुनिया का सबसे आलीशान शहर माना जाता है और दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए दुबई में रहना किसी सपने से कम नहीं है। दुबई अपने पैसे वाला रुतबा, आलीशान महल और होटल्स और अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन दुबई का कानून दुनिया के अन्य शहरों के कानून से काफ़ी अलग है। दुबई में ऐसा बहुत सारा कानून बनाया गया जिस वजह से आप ना चाहते हुए भी अपराधी बन सकते हैं और आपको कई सालों के लिए जेल में ढकेला जा सकता है। दुबई में कुछ ऐसा कानून बनाया गया जो सिर्फ वहाँ के नागरिकों के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए लागू है। और आप किसी भी देश से आए हों, आप इस कानून से बच नहीं सकते। इसीलिए दुबई जाने वाले हर इंसान को इन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। कानून नंबर एक, दुबई में ऐसा किसी भी चीज़ को ले जाया नहीं जा सकता जो इस्लाम धर्म और शरिया कानून के खिलाफ है। उदाहरण के तौर पे किसी भी तरह का एडल्ट चीज़ें, नशा और ऐसी चीज़ें जो इस्लाम के खिलाफ है। नंबर दो, दुबई में किसी भी प्रकार का इस्लामिक चीज़ों में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे धर्मों का प्रचार यहाँ पे करना कानूनन अपराध माना जाता है। नंबर तीन, आप किसी के इजाज़त के बिना किसी का फोटो नहीं ले सकते हैं। इनमें खासकर लड़कियों का फोटो लेने पर आपको जेल हो सकती है। इसके अलावा भी किसी भी सरकारी ऑफिस का आप फोटो नहीं ले सकते। नंबर चार, इस्लाम धर्म के बारे में आप कुछ भी गलत नहीं बता सकते। इसमें आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपको सिर्फ जेल ही नहीं, मौत तक की सज़ा हो सकती है। चाहे आप जो भी हो, सबके लिए ये कानून लागू है। नंबर पाँच, दोस्तों भारत में बहुत सारी लड़कियां पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए फर्जी रेप केस कर देती हैं और बाद में रेप केस प्रमाण ना होने पर इसमें लड़का तो बदनाम हो जाता है लेकिन लड़की को किसी भी तरह का सज़ा दिया नहीं जाता। लेकिन दुबई में इसके लिए कानून बहुत ही कठोर है। अगर कोई भी लड़की किसी के ऊपर रेप का केस करती है और वो केस अगर फर्जी निकलता है तो लड़की को जेल में डाल दिया जाता है। नंबर छः, दुबई में किसी भी लड़की के लिए ट्रांसपेरेंट कपड़ा जो बाहर से दिखता है, ऐसा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। इसके अलावा भी कोई भी पुरुष ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकता जिसमें उसका अंडरवेयर दिख रहा हो या फिर सीना दिख रहा हो। नंबर सात, दुबई में पब्लिक जगह पे कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे को किस नहीं कर सकता और गले तक नहीं मिल सकता। इसमें पकड़े जाने पर एक साल तक की जेल हो सकती है। नंबर आठ, दुबई में कुछ बार और होटल को छोड़कर शराब पीना गैरकानूनी है। अगर कोई भी आदमी पब्लिक जगह पे पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो सकती है। इसके अलावा भी शराब पीकर कोई गाड़ी नहीं चला सकता, चाहे जितना भी कम शराब पिया क्यों ना हो। नंबर नौ, दुबई में शादी के बाहर सेक्स करना अलाउड नहीं है। इसमें आप अगर पकड़े जाते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। नंबर 10, दुबई में होमोसेक्सुअलिटी यानी गे या लेस्बियन किसी भी प्रकार का गतिविधियों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, जिसके लिए कई सालों तक जेल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।